सब चेयर अप करते हैं, जो राम जी भी है वो भी अपना 14 सेशन जरूरी है भाई। अगर किसी चीज़ की तैयारी की है तो उसको एंड तक लेके जाना तो जिम्मेदारी हमारी है। अब जाके देखते हैं रामलीला ग्राउंड में, यहाँ पे बताया है दशहरे का मेला लग रहा है, वो वहीं पे लगा हुआ है। नालागढ़ पार्क है जहाँ पे हर साल दशहरे का मेला लगता आ रहा है, लेकिन पिछले टाइम से कोविड के टाइम से नहीं लगा है। अभी जस्ट सेशन कर लिया है, जिम की शुरुआत कर दी है, जिम की पहली वीडियो पहला व्लॉग भी डाला है। अगर नहीं देखा है, आप चैनल पर पहली बार आए हो तो जाके जिम का पहला व्लॉग देखना। ऑल सेट टू गो। इस व्लॉग में मैं आप लोगों को मिलाने जाने वाला हूँ एक मोटो व्लॉगर से भी। अभी तो होप्स हो कि हमें दशहरा भी मिल जाए, होप्स हो हमें रावण जी भी मिल जाए, होप्स हो हमें वो दोस्त भी मिल जाए। टाइम जो हो रहा है 6:43 हो रहे हैं, देखते हैं रावण जी मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। मेरे जिम से वो लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में पड़ जाता है जो रामलीला ग्राउंड है, जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। नालागढ़ में पहली बार मैं इतनी भीड़ देख रहा हूँ यार। ये सिवा कुलचा वाला है, इसके बराबर में मैंने बाइक खड़ी कर दी। बाइक लगाने का भी यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, बहुत भीड़ है, यहाँ पे मैंने बाइक खड़ी कर दी है। वो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ थी अंदर, तो मैं अंदर से ही बाहर आ गया क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा भगवान ना करे कर वो ऊँच नीच हो गई तो दिक्कत होगी। बहुत सारी वीडियोज़ आती है कि मेले में ऐसा कुछ हो गया, अलग हो गया। वैसे तो पैकअप हो रहा है यहाँ पे देखो, लेकिन मैंने क्या किया ना, थोड़ा सा अलग हट के आ गया हूँ। अभी जितनी जैसे भीड़ है तो मैं समझ रहा हूँ कि अभी 7:15-8 बजे तक कम से कम ये जाएगा। मैं अब तक घर को मिस कर रहा था कि कैसे घर पे जाके मेला देखते थे जानसठ में। इवन वहाँ पे बारिश भी हो गई थी तो 1-2 बंदों के स्टेटस आई, स्टोरी आई, पटाखे फूट रहे। देखो ये सदा मैं बाहर नहीं निकला था, मैं पहले सोच रहा था कि यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ फंक्शन नहीं होता होगा, लेकिन यहाँ पे जो आप ये पंडाल देख रहे हो ना, यहाँ पे माता रानी का जो 7 दिन का जगराते नवरात्रों में फंक्शन होता है ना, वो चला है। बहुत तो अच्छी बात है यार, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ हम लोग फेस्टिवल को मना रहे हैं। देखो हम लोग टाइम के चलते चलते ऐसा हो चुका है कि फेस्टिवल्स को भूल जाते हैं, कि जॉब के चलते बहुत सी कंपनी में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा भी मैंने देखे हैं दीपावली के दिल में बंद नहीं होते हैं। तो ये कोई ट्रेडमार्क सेट करना नहीं होता है यार, GDP तुम कुछ बढ़ा नहीं रहे हो इंडिया की अगर इम्प्लॉयज़ को छुट्टी नहीं देते हैं उनके त्यौहारों पे, मेन त्यौहारों पे। दीपावली पे भी अगर आप लोग काम कराते हैं कंपनी में तो इट्स नॉट ए गुड ट्रेडमार्क टू यू। बस होता है, बहुत सारी मेंटेलिटी होती है। इस टाइम पे जो आदि पुरुष अभी रिलीज हुई है, जो इससे उससे ज़्यादा क्रिएशन तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो क्रिएटिविटी है वो अलग है। सब चेयर अप करते हैं, जो राम जी भी है वो भी अपना 14 वर्ष इसी के उपलक्ष्य में खुशी मनाते हैं। बच्चे गोदी में बैठे हुए हैं, बच्चे भी नहीं रख रहे हैं, मतलब जैसे ये पटाखे छूट रहे हैं तो उससे क्या होता है, बच्चों के मन में थोड़ी सी डर आता है, डर लगता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं। अब देखो आदि पुरुष, अब दीपावली के टाइम पे जो 2023 में है वो आदि पुरुष भी आने वाली है। आदि पुरुष का ट्रेलर आप लोग देखना जाके। आदि पुरुष मीन्स कि बहुत पुराना पुरुष, आदि पुरुष का ही मतलब ये होता है। और उसमें बहुत पुराने पुरुष में हमारे राम जी दर्शाए हैं और उसके बाद में रामायण का ही पूरा उन्होंने पोर्ट्रेट लिया है। लेकिन आई वुड टेल टी सीरीज इज ए बिग बैनर। अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ, अगर भूषण जी और टी सीरीज के गाने अगर आप लोग अभी भी सुनेंगे तो गूज बम्स आ जाते हैं। जो भूषण जी के गाने होते थे, तो जो लक्खा जी के गाने होते थे, ये लोग ऐसे सिंगर हैं, ये ऐसे ट्रेडमार्क हैं हमारे इंडिया पे जो हमेशा से हमारे कल्चर को दर्शाते आए हैं। और अब उनके बैनर पे, उनके चैनल पे एक ऐसा ट्रेलर लॉन्च होना बहुत बेकार बड़ी बात है। दिखाना एक जो भक्ति है लोगों की, वो बहुत बड़ी बात है, वो श्रद्धा जुड़ी हुई होती है, लोगों से जुड़ी हुई होती है। इतने सारे लोग आए यहाँ पे, सब लोग आ रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं, अपना टाइम निकाल के आ रहे हैं, वीडियोज़ आती है, मेले में बम फट गया, भगदड़ मच गई, ऐसी ऐसी वीडियोज़ आती हैं, लेकिन उसके बाद भी श्रद्धा मजबूत होती है लोगों की। वो सब कुछ राम जी के हवाले छोड़ के सब कुछ आ जाते हैं। उसके बाद आप अगर ऐसा ट्रेडमार्क दिखा रहे हो अपनी टी सीरीज़ के बैनर पे, वो बहुत गलत है। तो आप लोग भी आदि पुरुष का ट्रेलर जाके देखना अगर नहीं देखा है तो, और मैं रिकमेंड करता हूँ। ये लोगों को अकल तभी आएगी तब आप बाइकॉट का ट्रेंड जारी रखोगे। या किसी भी धर्म के साथ अगर कोई भी छेड़खानी होती है उसको बंद रखो, सच में बंद रखो।
जो क्रिएशन होती है, जो क्रिएटिविटी होती है, वो मन से उखाड़ना होता है, करना होता है। मतलब मैटर नहीं करता है आप कहाँ पे हो, कहाँ से हो, कैसे हो, लेकिन ना अपने त्योहारों के लिए प्यार रखना, अपने अपने कल्चर के लिए प्यार रखना, वो सबसे बड़ी बात होती है। कहीं भी किसी भी तरीके से सबसे बड़ा जो होता है वो अपने त्योहारों के साथ ही लगाव होता है, वो आप रखो। गुरु जी भी मिल गए यहाँ पे तो बहुत लोग मिल रहे हैं, बच्चे हैं। हेलो बेटा, छोटा बेटा। अरे बाप रे बाप, बाप बाप। दिस इज कॉल्ड कल्चर। एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ गाइज, के त्योहारों के ऐसी मजाक के जो जितने भी स्टोरीज, जितने भी स्टेटस आते हैं ना जो आप लगाते हो, वो बहुत गलत बात है। मैंने नवरात्रों के टाइम पे भी दो ऐसी लड़कियों में लड़ाई हो रही थी और जय माता दी पीछे गाना चल रहा था, एक बंदे ने लगाया था कि सीता माता को रावण ने डिग्गी में ही डाल दिया। ये गलत है यार, आप लोग किसी के भी धर्म का मजाक मत बनाओ, सबसे पहले अपने धर्म की रिस्पेक्ट करो यार, वो चीज़ें बहुत गलत है। ये तो भाई स्टड वाला बंदा है, इसका तो गोप्रो ऑन है, मेरे को टाइम लगा कैमरा वैमरा ऑन करने में। और भाई क्रिएटर जो होते हैं ना, क्रिएटर हाँ ये हो जाता है, मिल ही जाता है। क्रिएटर जो है, क्रिएशन जो है, बहुत बड़ी बात है। तो यो टू क्रिएशन। जो हम वीरेंद्र से मिल रहे हैं, तो इसकी जो व्लॉग है, इसकी आगे वाली आने वाली व्लॉग होगी, उसको आप लोग देखना, और बहुत फन व्लॉग होगी। उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भाई की बाइक और भाई का सेटअप किस तरीके से है, किस तरीके से वो शूट करता है, किस तरीके से बोलता है, और बहुत सारी चीज़ें जिसमें होगी मोटो व्लॉगिंग के साथ साथ, बहुत सारी चीज़ें वो सिखाएगा, बताएगा, हम लोग दिखाएंगे भी आप। और अगर पहली बार चैनल पर आए हो सब्सक्राइब करना, देन वीडियो अगर अच्छी लगी, व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, और बताना कि आदि पुरुष का ट्रेलर, आदि पुरुष का ये रिव्यू कैसा लगा।